परिषदे 15મી સપ્ટેમ્બરથી સંકલ્પ યાત્રા શરૂ કરી જનજાગૃતિ આંદોલન છેડવાનો આગ્રહ કર્યો છે। મંગળવારે અમરેલી ખાતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળનું સંયુક્ત સંમેલન મળ્યું હતું, જેમાં વીએચપી આ જાહેરાત કરી હતી। મંગળવારે અમરેલી ખાતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળનું સંયુક્ત સંમેલન યોજાયું હતું, જેમાં સંતો મહંતો અને બજરંગ દળના હજારો કાર્યકરો એકઠા થયા હતા। भारत के गाँव में जाकर संकल्प सूत्र बांधकर जनजागरण करने का भी संकल्प व्यक्त किया गया है। दूसरा प्रस्ताव गौ रक्षा का केंद्रीय कानून बनाने का, तीसरा प्रस्ताव धर्मांतर रोकने का कानून बनाने का, और चौथा कश्मीर के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है। और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ एक ही मुद्दे पर हमारी बातचीत कश्मीर के संदर्भ में होगी, वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो हमारा था, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है, वह वापस ले लिया जाए। इनके अलावा और कोई चीजों के बारे में पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती है, वह भी प्रस्ताव में कहा गया। मुद्दे शुरू करवामां आवनारी आ संकल्प यात्रा 15મી સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાતમાં ગામડે ગામડે ફરશે, અને યાત્રા અંતર્ગત ગુજરાતમાં 5000 ગામોમાં 5,00,000 લોકોને સંકલ્પ સૂત્ર માંગવામાં આવશે। કુમારકૃષ્ણ અડવાણીની રથયાત્રા માફક આ યાત્રા પણ ગુજરાતથી શરૂ થશે અને દેશભરમાં ફરશે। या तो संसद में कानून या तो सड़कों पर आंदोलन, दो ही रास्ते हैं, या तो कानून बने या तो आंदोलन चले। पुरातत्व विभाग द्वारा विवादित स्थले थी रहेला खोदकाम मंदिर ना अवशेषो मिली आया होवानो पण वीएचपीए दावो कर्यो हतो। आ अंगे ढोगरियाए मीडियानी टीका करी हती। उस समाचार पत्रों में हालांकि कहानियां बन रही है, तथ्य यह है कि 54 खंभे मिल चुके हैं, कसौटी के वस्त्र जो मंदिर था तब दिखाई देता था वह मिले हैं, और कम से कम 3000 साल पुराने मंदिर के एक नहीं 700 से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। इसलिए मंदिर वहां था और साक्ष्य भी उनकी पुष्टि कर रहे हैं। चूंटणी जेम जेम नजीक आवी रही छे तेम तेम अयोध्या नो मुद्दो वधु ने वधु गूंजवातो जाय छे। हवे वीएचपी ना दबाव हेठळ पदवी भाजपी सरकार आ मुद्दे संसद मां कायदो पसार करे छे, એટલે તે જોવું રહ્યું। અને કોકર આંતર સમાચાર અમરેલી। દરમિયાન નીતિશ કુમાર